नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लोन ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग और लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आई है, गुड न्यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो नया कैटलॉग है वो अभी सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए उसका जो सर्कुलर है या ऑर्डर है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने मोरेटोरियम लिया था जो 6 महीने का, कुछ लोगों ने नहीं भी लिया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कोविड 19 के दौरान अपने लोन को रिस्ट्रक्चरिंग भी करवाया था और बहुत सारे ऐसे बोरोवर थे जिनके लोन भी डिफॉल्ट हुए थे। जैसे ही लोन डिफॉल्ट हुए या रिस्ट्रक्चरिंग हुआ या फिर उन्होंने मोरेटोरियम लिया, जितनी भी एक्टिविटी उनके बोरोवर के लोन अकाउंट पर हुई, पूरी एक्टिविटी को जितने भी बैंक एनबीएफसी कंपनी थी उन्होंने उनकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, सिबिल है, उसको डायरेक्टली सबमिट कर दी थी। अगर आप भी अपनी सिबिल रिपोर्ट देखते होंगे तो उसमें रिस्ट्रक्चरिंग या फिर आपको मोरेटोरियम या फिर लोन डिफॉल्ट सब कुछ उसमें मेंशन रहता है, जिससे कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो बुरी तरह से नीचे गिर जाता था। रिस्ट्रक्चरिंग का वैसे इफेक्ट सिबिल के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन जो बैड इंपैक्ट है बैंक की नजरों में बोरोवर के ऊपर, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। यानी अगर फ्यूचर में अगर आपका लॉकडाउन के दौरान अगर आपने इन तीनों चीजों में से कोई भी अगर एक अवेल किया या आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, मोरेटोरियम लिया या फिर डिफॉल्ट हुआ है, तो आपके सिविल के ऊपर इंपैक्ट पड़ा होगा, जिससे फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलने की बहुत सारी संभावनाएं थी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपना एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो नया कैटलॉग है वो मेंशन किया है। और दोस्तों, साथ में इस वीडियो के माध्यम से मैं दो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि पहले देश की जो टॉप ब्रोकिंग कंपनी है आप उसमें अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, दूसरा जो 5 पैसा का यूएसपी क्या है और आपको क्यों अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत 5 पैसा के साथ करना चाहिए। दोस्तों, मैं 4 साल में 5 पैसा ने 12 लाख से ज्यादा कस्टमर जोड़ लिए हैं, ऐसा पॉसिबल हो पाया 5 पैसा के पेपरलेस, हैसल फ्री, सुपीरियर ऑफरिंग एंड अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म जैसे फीचर की वजह से। ये फीचर हम आपको आगे बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम 10 मिनट के अंदर 5 पैसा मोबाइल एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, इसको हम बारीकी से समझते हैं। सिर्फ आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले 5 पैसा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, उधर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल डिटेल इसके अंदर डालें और दोनों को इधर वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप अपना जो पैन कार्ड है और डेट ऑफ बर्थ है अपना मेंशन कीजिए और दोनों को इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। थर्ड स्टेप में आप अपने जो बैंक की डिटेल जैसे कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की इंफॉर्मेशन भरे, उसको भी आप वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको जो आपकी पर्सनल डिटेल है जैसे कि एड्रेस है, ऑक्यूपेशन है, एनुअल इनकम है, वो फिल कर दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उस पे ऊपर ई साइन कीजिए और बिल्कुल ही आसान तरीके से 5 पैसा में आपका अकाउंट है फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि 5 पैसा का जो मोबाइल एप्लीकेशन का यूएसपी क्या है। देश की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी है 5 पैसा। 5 पैसा के साथ जुड़े हैं 12 लाख से ज्यादा कस्टमर, 70 लाख मोबाइल एप्लीकेशन अभी 5 पैसा के यूजर अभी एक्टिवेट हैं। अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए 5 पैसा मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि यहां पर इक्विटी, एफएनडो, कमोडिटी करेंसी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड एक ही जगह पर आप पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको रोजाना इधर मार्केट रिसर्च और साथ में स्टॉक जो स्पेसिफिक टिप्स है वो भी मिलेगी। इतना ही नहीं, यूज कोड ऑफर 250 में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो 250 रुपए है इंस्टेंटली आपके जो अकाउंट के अंदर 5 पैसा में मिल जाएंगे और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, फिर देर किस बात की, आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए 5 पैसा के साथ एंड मेक यूर इन्वेस्टमेंट इजी एंड रिवार्डिंग। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सभी लेंडर जितने भी है, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो या लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन हो, उन सबसे एक रिपोर्ट मांगी है कि कोरोना वायरस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो लोन रिस्ट्रक्चर हुए हैं या बहुत सारे लोन जो डिफॉल्ट हुए हैं उसका डाटा पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और साथ में जितने भी सिविल इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जैसे क्रेडिट स्कोर है, सिविल है, उनको साथ में सबमिट करनी है। और जिस कैटलॉग का नाम दिया गया है रिस्ट्रक्चरिंग ड्यू टू कोविड-19, यानी अगर इस लॉकडाउन के दौरान अगर आपने अपना लोन को रिस्ट्रक्चर करवाया है या फिर उसको डिफॉल्ट हुआ है, तो अगर आप फ्यूचर में लोन लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। इसी को देखते हुए आरबीआई ने कहा है कि सिविल में या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो में अगर लॉकडाउन के दौरान इन तीनों चीजों में से कुछ भी हुआ तो उसको अलग से एंट्री किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है रिस्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड-19, एक अलग कैटलॉग यानी आपके सिविल में दिखाई देगा। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अगर फ्यूचर में आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ या आपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाया है
या मोरेटोरियम लिया है, तो उसमें क्लियर से एक अलग कॉलम दिखाई देगा कि ये जो सब चीजें हुई है ये COVID-19 की वजह से हुए हैं, ताकि बैंक की नजरों में आपका सिबिल थोड़ा सा ठीक रहे और साथ में बैंक वाले भी ये जान पाएंगे कि COVID-19 के दौरान ये बहुत सारे क्राइसिस या प्रॉब्लम आई है बोरोवर को, तो फ्यूचर में उसको लोन आगे भी मिल सके और जो सिबिल स्कोर है उसके ऊपर भी कम इंपैक्ट पड़े। क्रेडिट रिपोर्ट और सिबिल रिपोर्ट में अलग से इसकी जो एंट्री है की जाएगी, ताकि फ्यूचर में बोरोवर को लोन ईएमआई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी को 2 महीने का टाइम दिया कि आप 2 महीने के अंदर जितने भी बोरोवर्स ने COVID-19 या पेंडेमिक के दौरान जो लोन ईएमआई डिफॉल्ट हुई है या फिर जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसका पूरा डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो सबको दे, ताकि एक अलग से कैटलॉग बनाया जा सके। तो दोस्तों एक गुड न्यूज मैं मानता हूं, क्योंकि इससे बहुत सारी रिलीफ मिल सकती है बोरोवर को। एक अलग से जो कॉलम है आपके सिविल में बनाया जाएगा, जिसमें आपका पूरा, अगर आपने रिस्ट्रक्चरिंग करवाया तो उसका भी अलग से मेंशन रहेगा, अगर डिफॉल्ट हुआ तो उसका भी अलग से मेंशन रहेगा, साथ में अगर मोरेटोरियम लिया तो उसका भी अलग से मेंशन रहेगा। तो कोविड 19 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अलग से कैटलॉग बनाने जा रहा है, और जिससे बोरोवर के सिबिल के ऊपर कम भी इंपैक्ट पड़ेगा और साथ में अगर उनका लोन भी डिफॉल्ट हुआ तो फ्यूचर में उनको जो लोन मिलने की संभावना है वो भी बढ़ जाएगी, और 2 महीने के अंदर आपके सिबिल में ये जो एंट्रीज हैं ये सब कुछ शो हो जाए। दोस्तों फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, वंदे।